आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति से एसोसिएटेड संत रविदास की, जिन्होंने निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति को प्रोपगेट किया। संत रविदास की बात करें तो ये भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे। इस समय भक्ति मूवमेंट अपने चरम पे था और इसको संत रविदास ने और ज्यादा फैलाया। आने वाले जो संत थे और जो कवि थे, उन्होंने भक्ति मूवमेंट को और ज्यादा फैला दिया और पूरे भारत में, देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो साउथ से हुई थी। भक्ति मूवमेंट पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है दोस्तों, लाखों लाखों लोगों से देख चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसकी जो शुरुआत है वो साउथ से हुई थी 7th-8th century में, लेकिन अल्टीमेटली ये नॉर्थ इंडिया में भी आया और पूरे भारत में भी फैला। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा इवेंट जिसने भारत को बदल दिया, भारत को चेंज कर दिया। हमेशा ऐसा होता है दोस्तों, जब भी एक वर्ग को दबाया जाता है, आप एक हद तक दबाएंगे, एक ना एक टाइम पे वो उठ खड़े होंगे और सवाल पूछेंगे। और ये हर जगह, हर सिविलाइजेशन, हर सभ्यता में हुआ है। 100, 200, 300, 500 साल बाद अल्टीमेटली वो वर्ग खड़ा होता ही होता है। तो यहां पे संत रविदास ने उस वर्ग को हथियार दिया, मारने का हथियार नहीं, सवाल पूछने का हथियार। इनका हथियार था इनकी कलम और इन्होंने लिखना शुरू किया। और उस समय अनटचेबल जो थे, जो नीच जाति के लोग थे, जो लो कास्ट के लोग थे, जिनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, संत रविदास ने उस पे क्वेश्चन किया, उस पे सवाल उठाया। तो आज हम संत रविदास की बात करेंगे दोस्तों। मिस्टिक पोएट, गुरु और सोशल रिफॉर्मर थे ये। मीरा बाई है ना, उनके गुरु थे ये संत रविदास। मीरा बाई ने कई बार लिखा है, मीरा बाई आपको पता ही है कि वो तो एक राजा की बेटी थी, अकेली बेटी, इकलौती बेटी। शादी के बाद कृष्ण भक्ति में ऐसा विलीन हुई कि दोबारा जा ही नहीं पाई। तो संत रविदास के बारे में वो बार बार लिखती है कि ये तो मेरे धर्म गुरु हैं, इन्होंने मुझे सिखाया, साथ ही साथ कई बार इन्होंने मेरी जान बचाई है, मीराबाई ने लिखा है। तो हम संत रविदास की बात करेंगे दोस्तों। संत रविदास जयंती मनाई जाती है, संत रविदास नगर है वाराणसी में, संत रविदास घाट है, संत रविदास पार्क है। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज्यादा इनसे एसोसिएट करती हैं, स्पेशली बसपा। ऐसा क्यों है वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। सिरन को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों हमने यूपीएससी के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज बनाए हैं, आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट और नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं ट्विटर पे भी आ गया हूं दोस्तों, ये रही मेरी आईडी, तो आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए संत रविदास के बारे में डिटेल्स तो बहुत हैं, लेकिन पुख्ता डिटेल्स नहीं है। देखिए होता क्या है कि अगर हम संतों की बात करते हैं, ठीक है, इनकी स्टडी को हैगियोग्राफी बोला जाता है। संतों की अगर हम बात करें तो उनकी जो लाइफ है, उन्होंने खुद तो अपने बारे में बहुत कम लिखा, खुद तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी नहीं, और जो डेटा अवेलेबल है जिन लोगों ने लिखा, उन्होंने काफी बढ़ा चढ़ा के लिखा। कुछ ऐसी कहानी है जिनपे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हिस्टोग्राफी क्या है, हम हिस्ट्री कैसे निकालते हैं, उसमें से जो रेलेवेंट चीजें हैं, हमने 4-5 स्कॉलर जिन्होंने रविदास के बारे में लिखा है उनको लिया। अगर अर्ली वर्क्स हैं, मतलब अगर 16th-17th century में लिखे गए हैं, तो हमने सारे वो जितने भी वर्क्स हैं उसको लिए और उसमें से रेलेवेंट चीजों को निकालते हैं, कॉमन चीजें इसमें क्या है उसको निकालते हैं, और फिर वो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है। तो रविदास की जो लाइफ है, रविदास का जो जन्म है, संत रविदास का, वो कब हुआ, ये बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है। ये कोई भी पक्के तौर पे नहीं बता सकता कि संत रविदास कब जन्मे। तो हम इनको 14th या फिर 15th century असाइन कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं इनका जन्म 1371 में हुआ, कुछ लोग बोलते हैं 1376 में हुआ, कुछ लोग बोलते हैं 1317 में जन्मे ये, कुछ लोग बोलते हैं 1399, कुछ लोग बोलते हैं 1450 में जन्मे ये, कुछ लोग बोलते हैं 1470 में जन्मे ये, और इनकी डेथ जो है वो 1520 में हुई। सो डाउट है। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि इनका जन्म जो है वो 14वीं या 15वीं सदी में हुआ होगा, ठीक है। अब संत रविदास, ये बिल्कुल पक्का है कि वो एक ऐसी कास्ट में जन्मे थे जो बहुत ही लो थी, ठीक है, शूद्र कास्ट में इनका जन्म हुआ था, शूद्रों में इनका जन्म हुआ था। वर्ण सिस्टम था लेटर वैदिक पीरियड ने, आपको पता ही है कि उसमें एक ऐसी चीज थी जिसमें बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कास्ट डिविजन। और सबसे नीचे होते थे शूद्र, जिनको प्रैक्टिकली कोई राइट्स नहीं होते थे, बहुत दयनीय कंडीशन थी। वो मंदिर में नहीं जा सकते, वो पानी नहीं पी सकते जहां पे ऊंची जात के लोग आते हैं, वो ऐसे टहल नहीं सकते, कोई मंत्र भी नहीं सुन सकते। अगर धोखे से भी किसी कोई जो शूद्र है उसने भगवान का मंत्र सुन लिया, तो दोस्तों पता है उसके कानों में तेल डाल दिया जाता था, खौलता हुआ तेल,
चाहे उसका मन हो चाहे ना हो, लेकिन उसके पास कोई भी राइट्स नहीं थे, तो राइट्स थे ही नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। शूद्रों को बिल्कुल सर झुका के मतलब चलना होता था। ठीक है, तो संत रविदास उसी कम्युनिटी से आते थे, जिस कम्युनिटी से आते थे, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे वो नाम लेना बहुत ही ज्यादा अटपटा लगता है। ठीक है, हालांकि जब आप पढ़ेंगे तो वो वहां पे लिखा रहता है, जब आप इनकी बायोग्राफी सुनेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है, या इनसे रिलेटेड अगर आप जहां पे भी इनका नाम आया, अगर आप वो भी देखेंगे तो वो चीज लिखी रहती है, बट मैं थोड़ा सा उससे परहेज करता हूं। ठीक है, तो संत रविदास का जन्म हुआ था ऐसी मतलब थोड़ा सा लो कास्ट में। इनके जो पिताजी थे, हाँ, इनका जन्म जो है वो वाराणसी के पास शीर गोवर्धनपुर में हुआ था। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, और यहां पे संत रविदास घाट भी है, तो वाराणसी में हुआ। वाराणसी तो भगवान की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, रात में भी निकल जाएंगे तो यहां पे रौनक रहेगी। यहां पे संत रविदास जन्मे। बड़े बड़े संत जो थे, बहुत बड़े बड़े, इंक्लूडिंग कबीर, वो भी हम देखते हैं कि वाराणसी से उनका मतलब जो बड़े बड़े संत हैं उनका संबंध बहुत गहरा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जिनको जो पिताजी थे, इनकी जो फैमिली थी वो लेदर बिजनेस में थी। इनके जो पिताजी थे वो जानवरों को मार के उनकी खाल निकालते थे और उससे चमड़ा बनाते थे, चमड़ा ऐसे ही बनाया जाता है, और लो कम्युनिटी के थे तो ज्यादा इनको कुछ मिलता नहीं था, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे संत रविदास। संत रविदास के बारे में बहुत सारी कहानियां, और ऐसा बोला जाता है कि इनको बचपन से ही अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। कुछ लोग तो इनको भगवान मानते हैं कि संत रविदास का जन्म ही जो बुराइयां हैं, जो समाज में पाप फैला हुआ है, उसको खत्म करने के लिए भगवान ने संत रविदास को भेजा। संत रविदास के चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान होती थी। छोटी सी ही उम्र में संत रविदास स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई थी, और इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इनके गुरु शारदानंद, जो कि ब्राह्मण थे लेकिन वो ऊंच नीच जाति को नहीं मानते थे, अब ये भी बाद में डिबेटेबल हो गया कि ये शारदानंद के शिष्य थे कि नहीं थे, इस पे भी बाद में विवाद हो गया 19th सेंचुरी आते आते। फिलहाल हम यही मान लेते हैं, ज्यादातर सोर्सेस का कहना है कि शारदानंद जो थे वो इनके गुरु थे। तो उन्होंने जब इनको पढ़ाना शुरू किया तब संत रविदास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है ये उनको पता चल गया। एक कहानी है दोस्तों कि जो शारदानंद के बेटे थे और संत रविदास से बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि दोनों लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो संत रविदास ने बोला कि ठीक है अब शाम हो गई है, अब हम कल खेलेंगे संत मतलब छुपन छुपाई, ठीक है, हाइड एंड सीक। तो उसके बाद जब अगले दिन संत रविदास वेट कर रहे थे, शारदानंद का बेटा आया नहीं। अब संत रविदास को चिंता हुई कि क्या हुआ। जब शारदानंद के घर गए तब पता चला कि उनके बच्चे का देहांत हो गया, लेकिन संत रविदास के पास अलौकिक शक्तियां थी, उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसको जिंदा कर दिया। तो ऐसा भी, ऐसी कहानियां हैं। ठीक है, कहानियां बहुत सारी हैं। ये अपने प्रसाद से लेप्रोसी ठीक कर देते थे, कुष्ठ रोगी जो होते हैं ना, कुष्ठ रोग बोलते हैं ना लेप्रोसी को, उसको ठीक कर देते थे। बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों। वेल्दी पोजिशन से बिल्कुल ताउम्र इन्होंने कोई भी वेल्थ अर्जित नहीं किया, हालांकि इनको बहुत सारे ऑफर्स थे, बड़े बड़े राजा महाराजा इनके पास आते थे, बोलते थे कि आप हमारे पास रहिए, इन्होंने सब कुछ नकार दिया। तो किसी भी तरीके की वेल्थ से ये दूर रहते थे। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, अपने गुरु से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद इन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उस समय यही भक्ति मूवमेंट की शुरुआत थी, बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर हुए। भक्ति मूवमेंट क्यों था? भक्ति मूवमेंट बेसिकली उस समय जो लोअर कास्ट के लोग थे वो क्या करते थे, वो पूजा नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहां पे जो आगे के कवि आए, ठीक है, जिन्होंने दोहे लिखे, चाहे वो संत रविदास हो, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे मीराबाई हो, उन्होंने कमजोर लोगों को यह हथियार दे दिया कि कहीं पे भी बैठ के पूजा की जा सकती है, कहीं पे भी हो हरि का नाम जपा जा सकता है, परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। घर में भी बैठ सकती हो, बैठ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है मंदिर जाओ, बड़ी बड़ी पूजा करवाओ, यहां पे पंडितों को पैसा दो, कोई जरूरत नहीं है, मन में भगवान है, बस जपते रहो, हरि का नाम जपो, हरि अपने आप मिल जाएगा। ये भक्ति मूवमेंट ने कर दिखाया। और जाहिर सी बात है, जब मेजोरिटी में यहां पे कौन था, मेजोरिटी में दोस्तों यहां पे शूद्र थे। ठीक है, ज्यादातर यहां पे वो कास्ट थी जिसको कोई राइट्स थे ही नहीं, वो मेजोरिटी में थे, उसके बावजूद वो रूल नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। तो यहां पे हुआ क्या कि जब ये सारी चीजें पता चली ब्राह्मणों को और जो अपर कास्ट के लोगों को, तब वो बहुत नागवार गुजरी। तो जब संत रविदास पढ़ा रहे थे पूरे भारत को, पूरे भारत को तो कह नहीं, नॉर्थ इंडिया को, संत रविदास जब पढ़ा रहे थे तो ब्राह्मणों ने इनका विरोध किया, क्योंकि संत रविदास जो है कैसे भगवान का नाम ले सकते हैं, जब आप ऐसी कास्ट से आते हैं जो बहुत ही लो है, जिसके पास कोई राइट्स नहीं है, तो आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। संत रविदास भगवान राम के बहुत बड़े भक्त, भगवान राम, रघुनाथ, कृष्ण, हरि, इनके दोहों में आपको मिलेंगे।
जो भी संत रविदास ने लिखे, ठीक है। तो यहां पे ब्राह्मणों को यह बात नागवार गुजरी, कई बार इन पे हमले किए गए, कई बार इनको नीचे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन अल्टीमेटली ब्राह्मण्स भी सरेंडर कर देते थे, वो भी इनके पैर छूने लगते थे जब इनसे बात करते थे। कई बार दिक्कतें इनके लिए, बहुत लोग इनको सपोर्ट भी करते थे, जैसे इनके गुरु भाई वो भी तो अपर कास्ट से आते थे ना, लेकिन जो इंसान रैशनल होगा वो इन सब चीजों पे इतना उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, और संत रविदास तो ये कास्ट और इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुके थे, ठीक है। तो यहां पे, और हां, शूद्र भी इनको पसंद नहीं करते थे, इनको दोनों कम्युनिटी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी, ना ही जो अपर कास्ट ना ही लोअर कास्ट। क्यों? क्योंकि ये टीका लगाते थे, ये जनेऊ पहनते थे, ठीक है, और ये एकदम भगवान की पूजा में लीन रहते थे, तो ये ब्राह्मणों को नहीं पसंद था। और शूद्रों को क्या नहीं पसंद था कि ब्राह्मणों की तरह रह रहे हैं, आप अपनी कास्ट के हिसाब से रहो। तो दोनों कम्युनिटी एक तरीके से 36 का आंकड़ा था, लेकिन अल्टीमेटली यहां पे संत रविदास को पहचाना गया, इनकी टीचिंग्स को पहचाना गया, ठीक है। इसमें एक कहानी है कि यहां पे क्या हुआ कि लोगों ने राजा से शिकायत की, राजा से शिकायत की, और उस समय राजा ने बाकायदा संत रविदास को बुलाया कि आप ये पूरा जो रिचुअल है, ये जो कस्टम है, आप कैसे पूजा कर सकते हो, आपके पास कोई राइट्स नहीं है, आप टीका लगा के तिलक लगा के घूम रहे हो, ये क्यों है, जनेऊ लेके घूम रहे हो। तो यहां पे जब संत रविदास को राजाओं के सामने, मंत्रिमंडल के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने अपनी छाती चीर दी थी, और उससे उन्होंने 4 जनेऊ निकाले थे, एक सोने का, एक चांदी का, एक तांबे का और एक कपास का, और वो चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग, इन चारों युगों का दर्शाता था वो। और उन्होंने बोला लो मैंने बना दिया जनेऊ, तो इससे भगवान क्या क्या मतलब कास्ट का इससे क्या लेना देना। तो वहां पे जितने भी लोग थे, उन स्पेशली राजा, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी, और फिर उन्होंने संत रविदास के पैर छुए, लेकिन उसके बाद, उस इवेंट के बाद, इन्होंने कभी भी तिलक और जनेऊ नहीं पहना। ये बोलते थे कि जनेऊ से भगवान का कोई लेना देना नहीं, कोई भी जनेऊ पहन सकता है, कोई भी जनेऊ पहन सकता है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भगवान कभी भी कास्ट देख के नहीं आता, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। बहुत सारे तीर्थ स्थल पे गई, आंध्र प्रदेश गए, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, राजस्थान गए, हिमालय पी गए, और इन्होंने सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति, दो तरीके की होती है, एक सगुण होता है, सगुण क्या, सामने मूर्ति है, मूर्ति को दंडवत करो, उसकी पूजा करो, जैसे मीरा, और एक निर्गुण, कोई इमेज ही नहीं है। हालांकि देखिए मेन एम क्या है, मैंने हिंदुइज्म पे पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है, मेन एम है मोक्ष की प्राप्ति, मेन एम हमारा यही है कि हम मोक्ष की, हमको मोक्ष मिले, हम ध्यान लगाए, हम अपने अंदर झांके। अभी कैसे हो सकता है, या तो आप पूरा मेडिटेट करो, स्वामी विवेकानंद ने 4 तरीके बताए हैं, हिंदुइज्म में 4 तरीके दिए हुए हैं, पूरा मेडिटेट करो, भक्ति योग, हालांकि अभी हम भक्ति मूवमेंट की बात करें तो हम भक्ति योग की बात करेंगे तो भक्ति योग में भी 2 फॉर्म्स हैं, 2 तरीके हैं, या तो सगुण या निर्गुण। आप भगवान को सामने रख लो, अब आप देखिए, खुद ही समझिए, जब आप भगवान के सामने बैठता पूजा करते हैं, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, यानी कि आप ध्यान लगा रहे हैं और आप उस ब्राह्मण से जुड़ रहे हैं। ब्राह्मण क्या, वो अलौकिक शक्ति जिससे हम सब निकले हैं, जो पार्ट ऑफ एनर्जी जहां से निकलती है, वो समुंदर जो हमेशा है, हमेशा रहेगा, और हमको अल्टीमेटली उसी समुंदर में विलीन हो जाना है। वो अलौकिक शक्ति जो पूरी दुनिया को चला रही है, जिसको कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता, जो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको उस ब्राह्मण में ही मिल जाना है, ये वो वाला ब्राह्मण, कास्ट वाला ब्राह्मण नहीं, और भगवान ब्रह्म भी नहीं है, ठीक है। तो ये वो वाला ब्राह्मण है, अल्टीमेटली हमको वही जाना है ना। तो ये इसको रियलाइज करने के लिए, अपनी अंतर आत्मा को वहां तक पहुंचाने के लिए, उससे जुड़ने के लिए आपको अंदर झांकना पड़ेगा। तो आप कैसे झांके, या तो कोई भी फॉर्म ना लें, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप ध्यान लगाएं, नहीं तो आप एक फॉर्म, आप मूर्ति बना लें और उसको देख के ध्यान लगाएं। तो एक्चुअली में मूर्ति पूजन का अर्थ यही होता है, हमको ब्रह्म से ही मिलना है, ठीक है, हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ठीक है। तो इन्होंने निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति, जिसमें इमेज नहीं होती है, जैसे गुरु नानक, जैसे कबीर, जैसे संत रविदास, ठीक है, तो विदाउट एट्रीब्यूट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ सुप्रीम बींग्स, समझ रहे हैं। तो ये निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति से एसोसिएटेड थे और यही चीज बढ़ाते थे। इनके दोहे जो हैं हमको गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं, सिखों ने भी इनको बहुत, इनके जो दोहों हैं सिखों ने भी, सिखों के भी तो ये गुरु हैं, और ऐसा बोला जाता है कि गुरु नानक से भी मिले। संत रविदास का इलस्ट्रेशन आपको सिखिज्म में बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब बेसिक टीचिंग्स इनकी क्या थी, ठीक है, बेसिक टीचिंग्स पे हम फिलहाल आते हैं, ठीक है। मैं
थोड़ी चीजें स्किप कर रहा हूं दोस्तों, वैसे मैं ये सब बता ही चुका हूं आपको, लेकिन बेसिक टीचिंग्स क्या थी, अगर हम इनकी टीचिंग्स को कंक्लूड करें, इनकी फिलॉसफी को कंक्लूड करें, तो क्या हमको देखने को मिलता है? सबसे पहले वननेस, ओमनीप्रेजेंस एंड ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड। गॉड इज ऑल पावरफुल, हर जगह प्रेजेंट है और हम सब एक हैं, अल्टीमेटली हमको मिल जाना है, हमको इस ड्यूअल वर्ल्ड से, ड्यूअलिटी से हट के उसमें मिल जाना, एक हो जाना है, ठीक है। और वही ह्यूमन सोल इज द पार्टिकल ऑफ गॉड, वही हिंदुइज्म का कंसेप्ट या सारे धर्मों का एक ही कंसेप्ट है, ह्यूमन सोल इज द पार्टिकल ऑफ गॉड, ठीक है। यानी कि इस ब्रह्म से ही हम निकले हैं और हमारी जो एनर्जी है रेजोनेट कर सकती है, सिंक्रोनाइज हो सकती है अगर हम ध्यान लगाएं, लेकिन हम ध्यान नहीं लगा पाते, क्यों? क्योंकि हम इस संसार में फंसे हुए हैं, हम मोह माया में फंसे हुए हैं। तभी तो जितने भी संत आएंगे, इंक्लूडिंग संत रविदास, उन्होंने एक चीज बोली, उन्होंने बोला मेटीरियलिस्टिक ना हो। अब ये बोलना बड़ा आसान है दोस्तों, आप लोग कभी इसको रियलाइज शायद नहीं कर पाते। चलिए मैं एक आपको बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूं, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। देखिए आप लोग जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पैसा कमाते हुए होंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो लोग अभी कम कमा रहे तो ठीक है, लेकिन जो ज्यादा कमा रहे हैं, जरा देखिए क्या हो रहा है। आपने 15,000-20,000 रुपए कमाया, ठीक है, कुछ टाइम बाद आपकी सैलरी बढ़ी 25,000-30,000 हुई, बहुत खुशी हुई एक महीने के लिए, एक महीने बाद ज्यादा चाहिए, फिर 40,000-50,000 बढ़ी, चार महीने के लिए खुशी, चार महीने बाद और ज्यादा चाहिए, इससे भी आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। फिर ये बढ़ते 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 इसका कोई अंत है ही नहीं। आपने कार, पहले साइकिल थी, साइकिल बहुत खुश हो गए, साइकिल आ गई, ठीक है, फिर साइकिल एक साल में मन भर गया, साइकिल को फेंक दी, उसके बाद बाइक ले ली, बाइक से मन भर गया, बाइक को फेंक दिया, अब कार चाहिए, कार से मन भर गया, हेलीकॉप्टर चाहिए, तो इसका इट नेवर एंड्स, इसका कोई अंत नहीं। इसीलिए मेटेरियलिस्टिक, जब आप मोह माया में फंसते जाएंगे तो आप अपने आप को, अपनी आत्मा को भूलते जाएंगे, और यही संत रविदास ने बताया, ठीक है, कि मेटेरियलिस्टिक ना हो। संत रविदास को कितने ऑफर मिले, चाहते तो वो राजा की तरह जीवन बिताते, लेकिन उन्होंने सब कुछ नकार दिया, तभी तो वो संत बन गए और इतिहास में उनका नाम हो गया। तो ह्यूमन सोल इज द पार्टिकल ऑफ गॉड, ठीक है। और हां, यहां पे हर कास्ट के लोग गॉड को रियलाइज कर सकते हैं, एक्सेसिबल है, ठीक है। और अगर भगवान को हमको रियलाइज करना है, जो अल्टीमेट ह्यूमन लाइफ का गोल है, तो हर चीज में हमको भगवान देखना पड़ेगा। हम में भगवान है, पेड़ पौधों में भगवान है, जानवरों में भगवान है। जब आप हर चीज में भगवान को देखेंगे, तब आप रिस्पेक्ट करेंगे नेचर की, क्योंकि अल्टीमेटली सब चीज भगवान ने ही बनाई है, उसी अलौकिक शक्ति ने बनाई है। और वन वे क्या है, इकलौता मार्ग यही है भगवान से मिलने का, मोक्ष को प्राप्त करने का, कि अपने माइंड को ड्यूअलिटी से फ्री कर ले। ये ड्यूअल वर्ल्ड है ना, आपकी आत्मा और ये जो फिजिकैलिटी है, तो उसको हटा के वन हो जाए, एक हो जाए, समझ रहे हैं? तो ये जो बेसिक टीचिंग्स है रविदास की, संत रविदास की, ये है निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति, ठीक है। दिखता नहीं है लेकिन वही है, सुप्रीम वही है। और बाद में कबीर दास भी है, कबीर दास भी इसी ही स्कूल से थे, इसी स्कूल से मतलब इसी स्कूल ऑफ थॉट से थे, और उन्होंने बाद में यही चीज प्रोपोगेट की। तो संत रविदास और संत मतलब जो कबीर दास है, उन्होंने दोनों ने ये चीज जो है वो प्रोपोगेट की, समझ गया। तो ये कहानी थी संत रविदास की, इनकी बेसिक टीचिंग्स और संत रविदास की छोटी सी बायोग्राफी। आई होप आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत अग्निहोत्री।